आप देख रहे हैं सीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देश का सबसे पुराना मुद्दा यानी राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मामला गरमाया हुआ है। राम के नगरी अयोध्या, जिस नगरी पर न जाने कितने सियासत हुई, न जाने कितने चुनाव जीते गए और न जाने कितने वादे किए गए, जिसकी वजह से न जाने कितने नेताओं ने अपनी सत्ता का आनंद उठाया। उसी राम मंदिर पर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद भी राजनीति गरमाई हुई है। राम मंदिर के फैसले पर जहां एक तरफ सभी ने इस फैसले का स्वागत किया, तो दूसरी तरफ AIIMIM के प्रमुख ओवैसी ने अपना राग गाना नहीं छोड़ा। राम मंदिर का फैसला जैसे ही राम मंदिर के पक्ष में आया, तो उसके तुरंत बाद ही ओवैसी का भड़काऊ भाषण सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर राम मंदिर पर राजनीति गरमा गई। ओवैसी का कहना था कि हमें मस्जिद बनाने के लिए खैरत में जमीन नहीं चाहिए। इस बयान के बाद राम मंदिर का मुद्दा फिर सुर्खियों में आया, लेकिन आज एक बार फिर ओवैसी ने अपने बयान से राम मंदिर पर भूचाल ला दिया है। जी हां, AIIMIM के प्रमुख ओवैसी ने एक बार फिर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर सबरीमाला और SC/ST मामले पर रिव्यू पिटीशन दायर हो सकता है, तो अयोध्या पर क्यों नहीं हो सकता। ओवैसी ने अपने ट्विटर पर लिखा, मैं कोई मशहूर मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मेरी दो बातें हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन रिव्यू पिटीशन एक उपाय है और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले वादियों के अधिकार के साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर सबरीमाला और SC/ST एक्ट के मामले में रिव्यू पिटीशन ध्रुवीकरण में मदद नहीं मिली, तो इस मामले में भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी अयोध्या मामले पर ओवैसी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है लेकिन अचूक नहीं। उन्होंने अयोध्या भूमि मामले पर फैसले को तथ्यों के ऊपर आस्था की एक जीत बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने आशंका जाहिर की कि संघ परिवार कई अन्य मस्जिदों के मामले में इस फैसले का उपयोग कर सकता है, जिस पर उनके दावे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सूची में मथुरा, काशी और लखनऊ का मस्जिद भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ सभी ने राम मंदिर के फैसले का स्वागत किया, तो ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आप इस खबर को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जो दर्शक HCN News पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।